जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा जीवन, मेरी आन, मेरी वान, मेरी शान, सब कुछ मेरा देश है। लेकिन जिस सभ्यता और जिस संस्कृति ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मेरे अंदर इतने संस्कार और गुण दिए, उस संस्कृति को भी भुलाना संभव नहीं है। मैं आप सभी से, सभी भारतवासियों से भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि राम एक ऐसे महा अभिसूचक है हम सभी के लिए। हम सभी के लिए इतने बड़े एग्जाम्पल हैं, जिसको ना कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म, बल्कि हर भारतीय उनके नियमों को अपना सकता है। सभी आपसी मतभेद को मिटाकर आप सभी राम के मार्ग पर चले तो आप सभी का जीवन भी सुखमय और आनंदित हो सकता है। दोस्तों, राम के आदर्श पे आप लोगों को इसके लिए चलने को कह रहा हूँ क्योंकि राम भगवान ने अपने जीवन में बहुत सारी यातनाओं को झेला, बहुत सारी कष्टों को झेला, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने किसी को कटु वचन नहीं कहे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का भी निराकरण किया। दोस्तों, सबसे पहले उनके अंदर जो सबसे मुख्य गुण थे कि उन्होंने कभी किसी के अंदर भेदभाव नहीं किया, ना उनके लिए कोई छोटा, ना उनके लिए कोई बड़ा, वो सबके शरणार्थी वत्सल थे। राम के आदर्श पे आप लोगों को इसके लिए चलने को कह रहा हूँ क्योंकि भगवान श्री राम ने अपने जीवन में बहुत सारी यातनाओं को झेला, बहुत सारी कष्टों को झेला, लेकिन उनके बाद भी वो कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने सारी प्रजा को एक समान रूप में देखा। उनके शरण में जो कोई भी जाता था वो बिना भेदभाव के उसको अपने शरण में शरणार्थी के रूप में जगह देते थे। उन्होंने तो सबरी के मीठे बेर भी, जूठे बेर भी हंसते हंसते खा लिए थे। उन्होंने विभीषण महाराज जी जैसे लोगों को भी अपनी शरण दी थी। भगवान श्री राम ने तो कई को ऐसे शरण दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ उनके इन चीज़ों को ना देखकर उनके आदर्शों को देखिए कि उन्होंने अपने देश के लिए क्या किया, उन्होंने अपने माता पिता के लिए क्या किया। कहा जाता है कि जिस परिवार के लोग रामचरितमानस का गुणगान या रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उस परिवार में कभी कलह और कभी अशांति नहीं होती है। जिस परिवार के लोग रामचरितमानस और भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, उसके अंदर ऑटोमेटिक बहुत सारे गुण आ जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ एक धर्म के लोग के नहीं, सभी भारतवासियों को बोलना चाहता हूँ कि आप उनके आदर्शों पर चलिए। अगर आपको परिवार चलाना है तो रामचरितमानस पढ़िए। जैसे राष्ट्र चलाना होता है तो गीता पढ़ना पड़ता है, उसी तरह अपने अंदर संस्कार लाने हैं तो रामचरितमानस और राम के गुणों को पढ़िए। मित्रों, मैं कहना चाहूँगा, राम जैसा कोई आज्ञाकारी नहीं, राम जैसा कोई राष्ट्र का सूचक नहीं, राम जैसा कोई मित्र नहीं, राम जैसा कोई शरणार्थी भगवत्सल नहीं। अयोध्या में जो भूमि पूजन का कार्य हुआ वो बहुत ही सुखमय और बहुत ही आनंदित करने वाले क्षण हैं। इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि वो क्षण सभी भारत के लोगों के लिए कुछ यादगार लम्हे देंगे। मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप राम के आदर्शों पे चलेंगे तो बहुत ही उत्तम होगा। मैं एक लाइन कहना चाहूँगा प्रभु की स्तुति में, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव वै दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानव तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावर भज दीन बंधु दिवेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसी दास संकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि कल दल गंजनम मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सिनु सनेउ जानत रावरो एहि भांति गौरी आशीष सुनिसी असहित ही हरषि अलि तुलसी भवानी पुजि पुनि मूलित मन मंदिर चल 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 जानी गौरी अनुकूल सियाही हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। मित्रों, मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि राम के आदर्शों पे चल के अपने और अपने परिवार का मान सम्मान के साथ साथ अपने देश, अपने राज्य की कीर्ति को नया स्थापित कीजिए और सभी मतभेदों को भुलाकर आप सभी लोग एक साथ कदम से कदम मिलाकर देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए और सभी मतभेदों को मिलाकर एक दूसरे को हर दुख हर सुख में
मिलकर एक दूसरे के साथ रहिए, खुशी में और शांति में जीवन व्यतीत कीजिए, यही आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ। आप सभी को मैं पुनः एक बार भूमि पूजन की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और सभी राम भक्तों को, सभी देशभक्तों को, सभी भारतीयों को देश की भलाई के लिए आगे आने के लिए सभी लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पाने के लिए विनती करता हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई, तो इसी तरह अपना प्यार और व्यवहार बनाए रखिए, इसी तरह अपना आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।